है मेरा सेमी मॉडर्न कल्याणी निवास। उम्र 103 साल, लोकेशन दिल्ली। इस घर में तीन जनरेशंस रहती है और तीनों के गुड मॉर्निंग के गुड होने के रीजंस अलग अलग हैं। जिनके दिन की शुरुआत बाके बिहारी जी के नाम से होती है, ये है मेरी ओल्ड स्कूल नरम गरम दादी कल्याणी देवी। इनसे मिलो। ये है कर्नल वीर शर्मा, मेरे पापा। आर्मी से रिटायर हो गए लेकिन बंदूक का निशाना आज भी टारगेट से मिस नहीं करते। और ये हूं मैं, टॉल फेयर सेक्सी लवेबल हैंडसम देसी मुंडा चिराग। उधर नहीं, इधर देख। मेरी सुबह इन खूबसूरत लोगों के बीच गुजरती, जिनको देखकर मुझे लगता है जिंदगी मुश्किलों का समंदर है। लेकिन अगर अपनों का साथ हो ना, तो इस समंदर में भी पूल पार्टी की जा सकती है। कर माँ, नहीं तो लोग बोलेंगे वीर अपनी माँ का ख्याल नहीं रखता। तू कब से लोगों की बातें सुनने लग गया? राधे राधे बाबा, राधे राधे दादी। खुश रहो मेरे लाल। अरे, एक फुट झुकने से घिस नहीं जाएगा तू, ठीक से पैर छो। राधे राधे दादी। अरे बेटा, पैर छूने से ना कमर और घुटनों में लचक बनी रहती है। अच्छा, फिर तो दादी तुझे मेरे पैर छूने चाहिए, क्योंकि कमर और घुटने तो तेरे अखड़े रहते हैं। हाँ, तेरी बात ये बिल्कुल नहीं समझेगा। शादी करवा दे इसकी, फिर देखना ससुराल वालों के सामने सुबह शाम साष्टांग नमस्कार करते हुए दिखाई देगा ये। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। दादी, साष्टांग नमस्कार तो मैं तुझे भी कर दूँ, अगर तू मेरे टाइप की लड़की ढूंढे तो। तेरे कौन से टाइप की लड़की? दादी, वो लड़की जो रोज सुबह उठकर भजनों की जगह हनी सिंह की रैप म्यूजिक चलाए और उस पे मुझे ही नहीं तुझे भी नचाए। बदमाश, जिसको पैसे बचाने से ज्यादा उड़ाने में मजा है। क्यों बाबा? मजाक नहीं कर। सॉरी। और माँ, ऐसी बहू जो ना खाना बनाना जानती हो और ना घर संभालना, है ना? हाँ। क्या? अच्छा, तुम दोनों ने टीम बना रखी है। दादी, अरे दादी, बाबा मैंने कुछ लिखे होती हूँ, तुम बाबा के रूप में। कल्याणी निवास की सुबह इसी तरह खट्टी मीठी बातों और हंसी के ठहाकों से होती है। जहाँ दादी को पोते की घुड़चड़ी की चिंता है, बेटे को माँ की सेहत की चिंता है और मुझे अपने परिवार की खुशी की चिंता है। अबे और कितना टाइम लगेगा? अरे नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते चिराग बेटा। अबे वो आग वाले अंधे, अला गोल घुमा ले, दूल्हे की बारात निकलनी, तेरी मैयत नहीं। अब देखो भैया, अल्टीमेट। अब जैसे ये लगाई है ना, वैसे सारी लगा दियो, वरना पैसे किश्तों में देंगे अंकल, वो भी हर महीने की 32 तारीख को। 32 तारीख? क्यों अंकल जी? और नहीं तो क्या। प्रणाम पापा जी। तेरे जैसे लौंडे किस्मत से ही होते होंगे। कुछ है? भी वरना मेहनत तो हर माँ बाप एक जैसे ही करते हैं। इनका रोज का ब्रो। क्यों बेटा? नमस्ते अंकल जी। ओके बाय। ए ठीक से कर लियो। हाँ। अबे क्या कर रहा है तू, जल्दी कर। अबे खुशी का मौका है, फिर भी तेरे बापू को दस्त लगे हुए। भाई लव मैरिज में तो सिर्फ लड़की मिलती है ना, मेरे बापू के अरमान तो एसी टीवी फ्रिज और लंबी गाड़ी के थे। क्यों बे, तुझसे उम्मीद खो दी है जो दूसरों से मांगनी पड़ रही है? भाई छोड़ ना, तू जानता है ना मेरे साहब को, मतलब मेरे बाप को। हाँ हाँ,
चाय में गिरी मक्खी को भी साइड करके चाय पी जाए तेरा बाप। भाई तू मीटिंग का सोच, अरे तेरा भाई है ना, संभाल लेगा। ओके पॉसिबल है, नो चांस सर जी। भाटिया, जो तुझे पॉसिबल लग रहा है ना, मैं पॉसिबल करके दिखाता हूँ, देख। मैंने तो कसम खा ली है, शर्मा जी से कभी कोई शर्त नहीं लगानी है। जिस दिन माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा नहीं लहराया गया था ना, उस दिन ऐसा लगता था कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना नामुमकिन है। जेंटलमैन, जिस दिन इम्पॉसिबल को निकाल कर अपनी जिंदगी में पॉसिबल डाल दोगे, उस दिन से लाइफ सिंपल हो जाएगी। वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। एक बात बताओ, आप हमारे साथ घूमने मनाली क्यों नहीं चल रहे यार? अरे नहीं यार, पिछली बार केरला में तुम लोगों ने मुझे अकेला रूम में छोड़ा और अपनी बीवियों के साथ घूमने निकल गए। अरे नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। अंताक्षरी रात को हम सब ने मिल के खेली थी, दोस्ती का गाना गाया था। अरे सर, अंताक्षरी के बाद हमें अपनी बीवियों के पास भी जाना पड़ता है, उनको नाराज करने का रिस्क हम नहीं ले सकते। अरे मैं तो लकी हूँ, ये डर मैं 20 साल पहले भूल चुका हूँ। चलिए ना सर। अरे नहीं यार, मुझे माँ को चार धाम यात्रा पे ले जाना है। माँ कहती है 60 के बाद जितना भगवान को याद करोगे उतना दंड कम पाओगे। अरे सर, दंड का ऊपर जाके सोचना, पहले यहाँ तो मजे कर लो। अंडरवेयर में नंबर वन अंडरवेयर, कूल अंडरवेयर, जिसका हर छेद कुछ कहता है। सर्दी गर्मी हो या बरसात, कूल अंडरवेयर की इलास्टिक नहीं छोड़ेगी आपकी कमर का साथ। कूल अंडरवेयर बाकी अंडरवेयर से अलग कैसे है? अरे मैडम, कूल अंडरवेयर सिर्फ अंडरवेयर नहीं है, ये चलता फिरता डॉक्टर है। टाइनी टाइनी होल्स देख रहे हैं आप, इन्हें कहते हैं हाइड्रो ऑक्सी प्यूरिफायर। कूल अंडरवेयर इस्तेमाल करने वालों का फर्टिलिटी काउंट आम इंसान से 80% ज्यादा होता है। और तो और, हमें कूल अंडरवेयर 24/7 काम करने की एनर्जी भी देता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कूल अंडरवेयर 100% स्मेल प्रूफ और साउंड प्रूफ है, इसलिए आप कभी भी कहीं भी आराम से छोड़ दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पर इट इज अप्रूव्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय यूएस डॉक्टर एज वेल। जिनका कहना है अंडरवेयर होगा राइट, तो फ्यूचर होगा ब्राइट, ब्राइट, ब्राइट। वाओ, इंप्रेसिव। थैंक यू। एंड बेस्ट, एंड बेस्ट। यस। उदय कोराना मिला था। कंप्लेन कर रहा था तेरे बारे। शर्मा साहब, ऐसा है, गोलियां ना तब तक असर करती है जब तक आदमी असरदार हो। खुराना क्या, 60 साल का हो गया है, बीमारियां तो गले पड़ेंगी उसके। अरे बीमार नहीं है वो यार, उसकी मिसेज है ना, उसकी गले नहीं पड़ती। सुना है उसका साइलेंसर साइलेंस मोड पे चलता है। शर्मा जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? खुराना इस उम्र में भी गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है। अरे गाड़ी उसकी है, चलने में क्या शर्म है? शर्म तो तुझे आनी चाहिए, तुझे। क्यों क्यों? ये रात भर अपनी रजाई में अकेले लौटता फिरता है। शर्मा जी, इंजेक्शन दूं या विस्की? विस्की। अरे नहीं नहीं नहीं। क्यों? कल सुबह लड़की वाले आ रहे चिराग को देखने। रिश्ता पक्का हो गया, तो पूरी बोतल पिएंगे। डन है, डन है, डन है, डन है। चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स।
दादी, ये हमें भारत मैट्रिमोनी पर मिले हैं। फैजाब, आपको यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? ऐसी कोई खास बात नहीं है। दरअसल वो मैं आपके घर का पता बताने को ही तैयार नहीं था। अरे चिरा, जरा पता तो कर, ये कौन मैप है जिससे कल्याणी के घर का पता ना हो? माँ, वो मैप है ना, आजकल फोन पे आता है जिसपे घर का पता चल जाता है। अच्छा अच्छा रिचा, चिराग से कोई भी सवाल करना है तो अभी पूछ ली, क्योंकि शादी के बाद हम आपके हैं कौन? आप भी। अरे ये स्टार्टअप वाला हमारे सामने प्रेजेंटेशन कहाँ देगा? चिराग तुम एक काम करो, रिचा को छत पे घुमा के लेके आओ। ये बिल्कुल ठीक कही दामाद जी ने। रिचा बेटा, छत पे जा रही हो तो ये भी देख आइयो कि शादी के बाद कपड़े और पापड़ कहाँ सुखाओगी। जाओ बेटा, जाओ जाओ। फूफा जी ने बताया आपका गवर्नमेंट का स्टार्टअप है। करोड़ों का कारोबार है लड़के के कंधों पे। क्यों वीर? मेरे चाचा हल्दीराम के मार्केटिंग हेड हैं, इसीलिए हमें रोज नई नई मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं। शादी के बाद आप भी नए नए सैंपल्स लेके आना। सैंपल्स? अम्मा जी, बचपन से कपड़े पहनने का शौक तो मुझे बहुत था। हाँ, मम्मी पहनाती होंगी। मम्मी, वीर, ये कौन से कपड़े पहनने की बातें कर रही है? माँ, वो जो लेकिन तुम इतने सारे सैंपल्स का करोगी क्या? अरे मैं रोज आपको पहन के दिखाऊंगी ना। ओके। सहेलिया और रिश्तेदार को लेकर जगह जगह जाऊंगी। अरे जो दिखेगा वही बिकेगा ना शर्मा जी। देखिए, अब रिश्तेदार तो रिश्तेदार के बारे में ही सोचेगा, है ना? इसलिए मैंने भी सोचा है कि मैं भी पहनूंगा। आज तक पहने ही नहीं था लगता है। तो ये है हमारा छत, कैसा लगा? वाओ, मस्त है ना? इतने सारे कच्चे? मेरी कंपनी फिलहाल मर्दों के लिए अंडरवेयर बनाती है, लेकिन बहुत जल्द लड़कियों के कलेक्शन भी निकालने वाली है। उसके बाद तुम्हें रोज नया सैंपल पहनने को मिल सकता है। अंडरवेयर, गारमेंट। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा को भी छत दिखानी है? चलो बेटा, झूठे लोग हैं ये लोग। इतने बुरे दिन भी नहीं आए हमारे कि कच्चा बेचने वाले से अपनी लड़की का रिश्ता कर दे। हाँ, जाओ जाओ, नहीं करा। अरे कच्चा पहनने में शर्म नहीं आती, लेकिन बेचने वाले से रिश्ता नहीं कर सकते। कच्चे बेचते हैं, जहर नहीं। बिल्कुल माल करते हो यार। बेटे, 4 dozen कच्चे बेच रहे फ्री में। हाँ, सैंपल भिजवाता हूँ। अबे हाँ ना, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ बस। हाँ अच्छा भाई, क्या हुआ मेरे कल्याणी को? आज ये फूल मुरझाया हुआ क्यों है? क्या हो गया? सोचा था इसी सर्दी में तेरी घुड़चड़ी पे नाचूंगी, पर पता नहीं बाके बिहारी किस भूल की सजा दे रहे। अरे बाके बिहारी सजा नहीं दे रहे माय डियर कल्याणी, बाके बिहारी ने तेरे लाल की रासलीला राधा के साथ लिख रखी है, इसलिए गोपियों से मुझे बचा रहे हैं। और तू चिंता ना कर,
राधे ने जिसके हाथ में मेरी डोर बांधी होगी ना, वो एक दिन खुद मेरे सामने चल के आएगी, कह रहा हूँ मैं। पक्की बात है। हाँ मेरे लाल। हाय हाय मेरे दूल्हे, पकड़ संभाल। कर रहा है यार, इतना खर्चा। जरूरत है तुझे, जरूरत पड़ेगी। तेरे हाथ में मोतीचूर कैसे लग गया? भाई जिसकी किस्मत अच्छी हो ना, उसको तो लड्डू ही लड्डू मिलते हैं। हाय मेरी जान, ये तो होता लव मैरिज। स्टॉप स्टॉप, ये क्या है? तलाक के पेपर्स। ओ, बोला था शादी से पहले चेहरा मत दिखाइयो। अबे ये क्या है? एसटी के पेपर्स। एसटी क्या होता है? एसटी शादी टैक्स, जैसे इनकम टैक्स होता है। हाँ अच्छा, मतलब ये शादी टैक्स के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते होंगे? नहीं ऑब्वियसली होंगे यार, तू क्या कर रहा है? यस, तो पहला, शादी के बाद मेरी फ्रेंड ना घर का खाना बनाएगी और ना ही सफाई करेगी, बीवी है मेड नहीं। दूसरा, अगर तुम शादी के बाद ड्रिंकिंग स्मोकिंग या पार्टिंग करते हो तो मेरी फ्रेंड को करने से नहीं रोकोगे। इक्वल राइट्स, राइट? राइट। रॉन्ग। अब राइट राइट। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, शादी के बाद तुम्हारा प्यार और एटीएम पिन सिर्फ मेरी फ्रेंड का, और उसका प्यार ना सिर्फ तुम्हारा, मगर उसका एटीएम पिन सिर्फ उसका रहेगा। ये क्या शर्त है भाई? मुझे ये मंजूर नहीं है। ओ हेलो, तुम्हारे पास ना ज्यादा चॉइस नहीं है, और अगर तुम्हें शर्तें मंजूर नहीं है ना, तो नो प्रॉब्लम, मैं लड़की वालों को लेके वापस चली जाती हूँ, क्योंकि मार्केट में ना बहुत लोग रेडी हैं टैक्स को भरने के लिए। ओके, बाय। मैं सोच के बताता हूँ। हेलो लिसन सुंदर महिला, मुझे मंजूर है, मंजूर है। दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा कृष्ण में विलीन ना हो गई। राधे राधे राधे। अरे बुआ जी। हा? आप कब आई? राधे 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 राधे। अरे अपना दिनेश शादी कर रहा है। अरे वाह, अल्टीमेट। माँ, ये दिनेश के साथ ऑफिस में काम करती है। अरे क्या बात है, वाह, लड़की तो अल्टीमेट लग रही है बुआ जी। नाम क्या है? नेहा। नेहा अग्रवाल। अग्रवाल? अरे वाह बनिया। वैसे बुआ जी लड़की थोड़ी लंबी लग रही है अपने दिनेश से, नहीं? दिवाली में पंखे साफ करा लियो इससे। क्यों रे उम्मी, पंडितों में लड़कियों की कमी हो गई है क्या, जो तू और जात को घर में घुसा रही है? अरे दादी, मॉडर्न टाइम है, लड़की ठीक होनी चाहिए, जात पात आजकल कौन पूछता है? बिल्कुल सही कह रहा है, जात पात तो हम बूढ़ों के मानने की चीज है, और आजकल बूढ़ों की सुनता कौन है? अरे माँ, दिनेश कह रहा था कि शादी करेगा तो उसी से करेगा। ओमी, जो लड़का कल की आई हुई बाहर वाली लड़की के लिए माँ बाप को धमकी देता हो, उस औलाद का होना ना होना एक बराबर है। इंसान की जात और धर्म उसकी पहचान होती है, और जिस इंसान की पहचान ना हो उसकी कोई औकात नहीं होती। अरे चाय तो पीजिए बुआ जी। सैर पिला दे।
ये दीदी देना क्या यार, अरे यार जाकर देखे जाओ। अरे नहीं देखा तो यही फंसा रहेगा, बिठा के रख घोड़ी पे उसको। मैडम ये सड़क है रेसिंग ट्रैक नहीं, जो खुद को लेडीज मार्कर समझ रही है। अरे भाई साहब ये भी बाइक है, आपका दिमाग नहीं जिसे धीरे धीरे घिसा रहे हो। फीमेल ड्राइवर को बैन कर देना चाहिए ना, ना गाड़ी चलाने आती है ना गाड़ी पार्क करने आती है। हेलो किसी फीमेल ड्राइवर की वजह से तुम जैसे फालतू लोग आज इस दुनिया में गाड़ियों की रेस लगा रहे हैं। ये भैया क्या लगा रखा है, आगे कुछ एक्सीडेंट हुआ? अरे ये तो घड़ी बोल रही है, एक तो गलती कर रही है ऊपर से मारे ऊपर चढ़ी जा रही है। अरे पुलिस को क्यों नहीं बुलाता? पुलिस को बुलाओ। हाँ बुलाओ बुलाओ। हाँ बुलाओ बुलाओ। लेडीज से तो कुछ भी बोलने की क्या? मैं भी अभी सब रिकॉर्ड कर रही हूँ। फोन कर यार, तू फोन कर। की जनता को लाइव दिखाती हूँ कि कैसे देश के राजधानी में एक अकेली अपला नारी पर अत्याचार हो रहा है। अरे इसको बंद करो पहला। बताओ ना। अरे बोलो। अरे बंद करो ना इसको। बोलो। अरे इसको बंद करो। अब क्या बात? गाड़ी चलाने नहीं आती, बात करने नहीं आती, बताओ अभी। बोल ना। अरे क्यों मुझे छुपा रहे हो? बोलो अभी। जी हाँ, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हैं। ये लव एट फर्स्ट साइट जरूर है, बट सेकेंड टाइम। वीर मैंने कहा इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत छज्जे छज्जे से शुरू हुई। घर घर के इस खेल में प्यार का तड़का स्कूल में लगा और स्कूल से कॉलेज आते आते इन दोनों के प्यार की दाल पूरी तरह से गल चुकी थी। सब कुछ इंटीमेट और अल्टीमेट चल रहा था, मगर जब इनकी दाल की खुशबू कल्याणी देवी तक पहुंची तो जात पात धर्म अधर्म का रायता फैल गया, क्योंकि मेनका पंजाबी थी और हम पंडित #vegetarian। और इस रायते को समेटने के चक्कर में कल्याणी देवी को कुछ दिन अस्पताल के आईसीयू में बिताने पड़े, मेनका को कुछ रातें पुलिस स्टेशन में, और कुछ महीनों बाद मेरे पापा की शादी मेरी मम्मी से करा दी गई। तो पंजाब में थी। कुछ साल पहले ही दिल्ली वापस आई हूँ, यहीं पास में ही सालों खोला है मैंने। एक मिनट, एक पंजाब में है और नया वाला दिल्ली में, अब 2 सालों है मेरे। इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन, बचपन की आदत अभी तक नहीं है। और तुम वीर से कर्नल वीर शर्मा बन गए हो। बड़ा मस्त से तुम बिल्कुल नहीं बदले, वैसे ही टफ एंड हैंडसम लग रहे हो। अरे तुम कहां बदली हो, यू आर एज ब्यूटीफुल एज एवर। थैंक यू। लेकिन वो झगड़े करने की आदत है ना, अभी तक नहीं गई। वैसे एक बात बताओ, कल्याणी देवी जी अभी तक सही है, अभी तक सही है।
बिल्कुल वैसे ही है, माय वे और द हाईवे। मुझे लगता है कि उन्हें आर्मी ज्वाइन करना चाहिए था। अरे अगर वो आर्मी ज्वाइन कर लेती तो गोलियां पहले चलती और बातें बाद में होती वीर। एंड अमृता कैसी है? She's no more. I'm so sorry, Veer. दो बच्चे हैं मेरे, एक लड़का है एक लड़की। What about your family? Well, I'm a single mother. Wow. हेलो। मैंने कहा है कहाँ तू? तेरे सारे क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं, कब आ रही है? बस आई रही हूँ, एक पुराना दोस्त मिल गया था। अच्छा जल्दी से आ जा। बाय। अब मुझे जाना होगा। किसका फोन था? सुनीता मेरी फ्रेंड। I'll see you then. Can I call you? Appointment lena hoga. Done. I'll see you. Okay. Bye. कि लगेगा कुछ पहना ही नहीं है। यूजर फ्रेंड। हाय हेलो हाय हेलो एवरीवन। हेलो मैम। सॉरी गाइस आई एम लेट। ही इज मिस्टर चिराग फ्रॉम कूल अंडरवेयर एंड शी इज अ मार्केटिंग हेड मिस देविका। हाय हाय। मार्केटिंग हेड चिराग, राइट? यू मे स्टार्ट नाउ। स्टार्ट? श्योर स्टार्ट। ये आपके लिए, आई मीन आपकी कंपनी के लिए। और हम सब पहनते हैं, रोज पहनते हैं। ये भी पहनता है, मैं भी पहनता हूं, और आप लोग भी पहनते होंगे। ये क्या बोल रहा है? What is he talking? Look, Mr. Chirag, I don't have much time. Just tell me one simple thing. मैं तुम्हारा ही ये अंडरवेयर क्यों खरीदूं? क्योंकि ये जिंदगी का साथी है। जिंदगी का साथी? रियली? मार्केट में तो बहुत लोग ऐसा दावा करते हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ये लाइफ टाइम साथ देगा? मैडम, गारंटी तो आजकल भगवान अपने बंदे की नहीं देता। नेता अपने वादे की नहीं लेता और माँ अपने बच्चे की नहीं देती, लेकिन आपका साथ ना, आपका साथ हमें लंबा चला सकता है। और मेरे साथ के बदले में मुझे क्या मिलेगा? लव, केयर, कमिटमेंट। अंडरवेयर से लव, केयर एंड कमिटमेंट कैसे मिलता है? मिलता है मैडम, मिलता है। सर्दी हो या गर्मी, घर हो या बाहर, कूल अंडरवेयर की कूलनेस तुम्हें 24/7 कंफर्टेबल फील कराएगा, क्योंकि तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है।
आई मीन मेरे प्रोडक्ट की जिम्मेदारी। इंटरेस्टिंग मिस्टर कूल। थैंक यू। अरे तेरे मार्केटिंग स्किल्स छोड़, पर तेरी फ्लर्टिंग स्किल्स आए हैं। मतलब क्या है? बात है, ब्यूटीफुल। अबे क्या फ्लर्टिंग स्किल्स, लगते लगते बच गए। हाँ भाई, लगते लगते तो पहले जो तुम्हारा एटीट्यूड था और उस रात जो शादी में तुमने छिछोरी हरकतें की थी ना, उन दोनों में काफी डिफरेंस नहीं है। अच्छा वो मैं नहीं था। तुम्हारा कोई जुड़वा भाई भी है? नहीं, था मैं ही, लेकिन वो मैं नहीं था। वो तुम नहीं थे, लेकिन तुम थे भी, तो तुम अब कौन हो? अरे देखो मैडम, सिंपल है। उस रात मेरे दोस्तों ने मेरे जूस में दारू मिला दी थी। अब जिस इंसान ने ब्रीजर तक ना पियो, उस इंसान ने अचानक पूरी बोतल घटक ली, तो अपने आप को देश का पीएम ही समझेगा ना। ओ, तभी मैं सोच रही थी कि प्लीज अब इतना भी मत सोचो कि सामने वाले की सोच ही बिगड़ जाए। तो उस रात जिसको मैंने देखा था, क्या वो दोबारा मिलेगा? नो। हाँ, सो इन दैट केस मैं ये देखना चाहूंगी कि एक अंडरवेयर से लव, केयर और कमिटमेंट कैसे मिलता है। बिल्कुल। सी यू। एंड बाय द वे, यू गॉट द डील। अल्टीमेट। आई है लव, केयर, कमिटमेंट। तूने तो लाइफ टाइम की दिल पक्की कर दी। अबे चल जाना। You good? Comfortable? Hello, इधर आना। आ रही हूँ, one second। तीन कार्ड्स निकालने हैं यार, come along now। Let me do my job यार। या एक सेकंड ही तो लगेगा, चल आ जा। ये ले। हाँ। One, two, three। Okay? Okay। All is well? वो हो girl? One second। पता है मुझे अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, तेरे आज ऐसे कार्ड्स क्यों निकल रहे हैं। या तो आज कुछ स्पेशल है क्या? अरे हे स्वीट हार्ट, स्पेशल वो इंसान है जो तेरे पास से तेरे प्रेजेंट में आया है। पिछले 25 सालों में ऐसे कार्ड्स नहीं निकले हैं तेरे, एंड लुक एट दिस, योर फ्यूचर। जाने मत देना उसे, सोच क्या रही है? पूरे 25 साल हो गए हैं। 30 साल लग गए। सालों बाद फिर वही मजा आया। थैंक यू, इतने सालों बाद तुमने मुझे उस वीर से फिर मिला दिया। ड्राइव। लेट्स गो। यहाँ का ट्राई करना, इतना अमेजिंग है ना ये लीजिए। अल्टीमेट। थैंक यू। वैसे मिस्टर कूल, जितनी बड़ी डील तुम्हें मिली है ना,
उस हिसाब से तुम एक 5-star में तो डिनर अफोर्ड कर ही सकते थे ना? बिल्कुल अफोर्ड तो कर सकता था, लेकिन वहां फील नहीं आती। और यहां फील आती है तुम्हें? हाँ ऑफ कोर्स। अब चांदनी चौक की चांदनी रात में लाल किले के सामने पराठे वाली गली में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखते हुए जो मजा सुखी अंकल के देसी घी में तैरते हुए गर्मा गर्म पराठों में है ना, वो मजा 5-star के फैट फ्री पराठों में नहीं है। ये मारा विराज ये लीजिए आपका पनीर का पराठा। थैंक यू, वेलकम। ये ट्राई करो। God, too many calories. अरे नहीं नहीं, खाओ खाओ। Sure. हाँ, खा के देखो, फिर बोलना। Yum. ये feel 5-star में नहीं आती। वैसे अजीब बात है, दिल्ली की होके तुम कभी चांदनी चौक नहीं आई? Serious crime ही है। यार क्योंकि मैं दिल्ली से नहीं चंडीगढ़ से हूँ, दिल्ली अभी कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट हुई हूँ। तभी। लेकिन आज लग रहा है। क्या लग रहा है? मेरा दिल्ली शिफ्ट होने का आइडिया सही था। वैसे मिस्टर कूल। यस मिस हॉट। तुम जितनी अच्छी बातें कर लेते हो, क्या खाना भी उतना अच्छा बना लेते हो? हेलो मैडम, अपने घर का मास्टर शेफ हूँ मैं। अच्छा, गैस ऑन करने से लेकर बना हुआ खाना फ्रिज में रखने तक सब आता है मुझे। वाह। कभी कभी तो मैगी भी उबाल लेता हूँ। और तुम्हारी मम्मी वो क्या करती है? सब्जी में नमक और पराठे में तेल कितना लगेगा, ये सब माँ ऊपर से सुपरवाइज करती है। क्या हुआ? मेरी कैब आ गई। बड़ी जल्दी आ गई। आने के लिए। Hey, Mr. Cool. पंजाबी ना थैंक यू बोलने वाले को नहीं, खाना खिलाने वाले को पसंद करते। And I think तुम कल का डिनर भी यहाँ अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि मुझे ना यहाँ फील आ गई है। Bye, Mr. Cool. Ultimate. Bye. Good night. Punjabi? Kalyani! अरे पंडितों में लड़कियां कम पड़ गई है, जो तो इन पंजाबियों में घुस रहा है। अरे मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। यूपी की शर्मा खाना अच्छा बनाती होगी। हरियाणा की कौशिक गवर्नमेंट टीचर, पर बच्चों को पढ़ाना भी तो है। और ये रही चतुर्वेदी, 4 वेदों वाली दांतों की डॉक्टर। अब तू बता किससे शादी करेगा देख। हाँ? दादी, किसी और कास्ट में शादी करने से क्या होता है? वही जो पहाड़ की चोटी पे जाके छलांग लगाने से होता है। हाँ? दादी यार, दूसरी जात में शादी करने से न मन मिलते हैं, न खान पान, न रीति रिवाज। 100 बात की 1 बात दूसरे की रजाई में बदबू आती है।
राधे राधे। दादी, तेरे बाके बिहारी यादव थे और उनकी बीवी रुक्मणी ठाकुर और उनकी जो 16,000 रानियां थी वो एक कास की तो नहीं हो सकती ना? बावला हो गया है तू, जाते इंसानों ने बनाई है, भगवान ने नहीं। तो जो चीज भगवान ने नहीं बनाई माय डियर कल्याणी, उसे मानकर हम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों दादी? राधे राधे। लगता है छोरे का शुक्र बिगड़ गया है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। किसकी बात कर रही है? अरे अपने से 15 साल छोटे लड़के को डेट कर रही है ये सुश, बताओ जरा। हाँ? So what? आदमी भी तो अपने से आधी उम्र की लड़कियों को डेट करते हैं। I think it's cool. Huh? What's the big deal? हेलो, लास्ट वीक जो मैंने आपसे हेयर कलर करवाया था ना, वो 4 दिन नहीं चला। आपने तो कहा था इससे अच्छा कलर नहीं है मार्केट में। अगर आप दोनों भी अपने बालों से थोड़ा भी प्यार करते हो ना, तो यहाँ आना बंद कर दो। कुछ आता जाता नहीं है इसको। फ्रॉड है ये लेडी, फ्रॉड। मेरे पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, वरना ना मैं अभी सोशल मीडिया पे डालती हूँ। वेरी बैड मैनर्स, ज्यादा नहीं बोल रही लड़की है? बोलेगी क्यों नहीं, अपनी मेनका का प्रोडक्ट जो है। है इनकी डॉक्टर है जी? अच्छा। मम्मी यार, एक संडे मिलता है तुम्हारे साथ लंच करने के लिए, उस दिन भी आप काम कर रहे हो। सॉरी बच्चा, सोनाली को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, इसलिए मैंने मम्मा से रिक्वेस्ट करी। मेनका, इसकी कब करा रही है शादी? अरे इसकी शादी का टेंशन तो मैंने इसी को दे रखा है। Whoever she chooses and wherever she chooses. और बेटा बताओ क्या प्लान है? अरे आंटी, आप तो जानते ही हो ना, आजकल अच्छे लड़कों की ना प्रोडक्शन बंद हो रखती है। वैसे बात तो तेरी बिल्कुल सही है, जवानी का कुआं ना सूख बड़ी जल्दी जाता है। सुन, एक आधा हनीमून बिना शादी के मना लो। अच्छा सुनना, मैंने सुना है कि टिंडर पे भी ना बिना शादी के हनीमून बनाने वाले काफी मिल जाते हैं। आप भी सुन तो सही। देख, शादी के लिए एक ना एक दिन सही लड़का तो मिल ही जाना, तब तक गलत वाले का हाथ पकड़ लो। हांजी आप वैसे आपका ये इलॉजिक है तो सही है ना? सही बात है। अरे क्या पट्टी पढ़ा रही है आप इसको? वो मम्मा कुछ नहीं, आंटी कह रही थी कि 16 सोमवार के व्रत करने से ना अच्छा पति मिलता है। बाबा जी का ठुल्लू मिलता है, मैंने भी 16 सोमवार किए, घर पे उल्लू बैठा है 16 सोमवार। क्या करता है लड़का? कौन सा लड़का? अरे बिना फेस पैक के तेरे चेहरे का ग्लो बता रहे कि किसी ना किसी ने तो तेरे लाइफ में एंट्री मारी है। अरे बताना उसका नाम क्या है, काम क्या करता है, रहता कहाँ है, कुछ तो मतलब। मार्केटिंग में। लेकिन आप जैसे सोच रहे हो ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। अरे अगर वैसा बिल्कुल नहीं होता ना, तो आधे घंटे में तूने अपना पूरा पास्ता खत्म कर लिया होता। लुक एट मी, आई एम ऑलमोस्ट डन। शुड आई गेट समथिंग एल्स? या श्योरली। Actually, get me a cheesecake. Please. Sure, ma'am. Thanks. Something for you? Nothing for ma'am. She's in love. And प्यार में तो भूख नहीं लगती, right? Oh, sorry. Thank Mom, you. Mom, आप मेरे को embarrass करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो ना? अच्छा चल, बताना। मम्मा से क्या छुपा रही है? अगर मैं आपको उस लड़के के बारे में बताऊंगी, तो आप उसको चाय पे बुलाओगी। और उसकी चाय खत्म होने से पहले आप हमारी शादी की बात करोगी। और फिर आप हमारे हनीमून डेस्टिनेशन डिसाइड कर लोगी। और उसके घर के निकलने से पहले आप हमारे बच्चों के नाम तो फाइनल कर ही दोगी। So true. See, I know you so well. तुझे मालूम है तू मेरी जान है ना?
I know that, Mom. You know I want the best for you. I love you, my baby. Love you too. अच्छा अब डिजर्ट तो खा ले. चीज़केक. मुझे लगता है आज मुझे पी लेनी चाहिए. प्लीज नो, वरना तुम फिर से देश के पीएम बन जाओगे. फ्रेश लाइम सोडा बॉस. अच्छा, आई विल जस्ट गो टू द वॉशरूम. हाँ बट जल्दी आना. Yeah. Scene, please. Suno, please. Let's go from here. क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? वो पिंजरे में लड़की है. वीर, you want Suno? Oh my God! क्या कर रहे हैं आप? Please यार. Sorry. It's okay. It's okay. It's okay. मैं सर अब वॉशरूम में ड्राई करके आती हूँ. ठीक है ठीक है. मामा, देविका, पापा, आप यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये क्लब का ओनर मेरा दोस्त है, उसकी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, उसे सॉर्ट करना है. अच्छा? एक मिनट, पर तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी फ्रेंड का बर्थडे है ना आज. वो मार्केटिंग वाला फ्रेंड? क्लाइंट की मीटिंग थी. तू रात के 11 बजे क्लब में अंडरवेयर की मार्केटिंग करने के लिए आए? वो लेकिन मम्मा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसे पार्टनरशिप में डीलरशिप चाहिए थी. वो किटी पार्टी है ना नेक्स्ट वीक, इसलिए वो जगह देखने आई हूँ मैं. वो रहा पार्टी एनिमल, तो उसको यहाँ पार्टी करनी थी तो मैंने सोचा चलो यही मिल लेता हूँ. अच्छा, और आपकी फ्रेंड्स वो कहाँ है? फ्रेंड्स वो? अरे भाटिया रास्ते में. अच्छा, वो तो बाहर है. बाहर है? तू तो जानता है ना, दो पैक पीने के बाद वो खुद का नाम भूल जाता है. हाँ, तो रास्ता कहाँ याद रखेगा? वो भी सही है. मेरी फ्रेंड्स बाहर वेट कर रही होंगी, सो आई विल सी यू लेटर. ओके, हैव फन. मेरी मीटिंग तो हो चुकी है. वेरी बेस्ट. नहीं, दोनों पी लीजिए, दोनों आपके लिए. घर जाना. हाँ, और कार जाऊंगा. गुड नाइट. बहुत ज्यादा शोर है यहाँ पर, कहीं और चलें? हाँ, राइट, लेट्स गो. क्या हुआ वीर? हम लोग सही कर रहे हैं ना? हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं.
These silence games, I don't like it, yeah. At least say something, na. Chirag, ऐसा क्या हो गया जो तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? मैंने तुम्हें कितने सारे मैसेजेस किए थे? 72. वाओ, तुम मैसेजेस देख सकते हो लेकिन रिप्लाई नहीं कर सकते? What's wrong with you, यार? Can you please say something? Fine, मत बोलो, मैं जा रही हूँ. सुन, तेरे ऑफिस नहीं ड्रॉप कर पाऊंगा मैं तुझे. रोहिणी से साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली से सीपी, और फिर वहां से मुझे अपने ऑफिस जाना पड़ता है, तो दूर पड़ता है, नहीं हो पाएगा. ओके, आई गेट इट. Now what? मैं ये कह रहा था कि क्यों ना हम दोनों मेरे घर से, मतलब हमारे घर से तुम्हारे ऑफिस जाए, और फिर तुम्हारे ऑफिस से मैं अपने ऑफिस चला जाऊं, लेकिन वापस आते वक्त हम दोनों हमारे घर वापस आए. यू नो, हम दोनों साथ में खाएंगे, साथ में रहेंगे. Really? Yes. Oh my God, oh my God, I don't believe this. I'm so happy, love you. अपने घर वालों से बात करने वालों में हमारे. You idiot. तेरी वजह से पूरी रात सोई नहीं हूँ मैं. हाँ, इतनी अच्छी मार्केटिंग कर लेता, एक प्रपोज करना नहीं आता. हाँ बाबा, सीधे सीधे से नहीं कह सकता था. कह दिया ना, अभी भी नहीं कहा. क्या? The magic words. Magic words. हाँ, magic words. Yeah. Send me. मुझे नोएडा जाना है. 25 किलोमीटर है. तू नहीं सुधरेगा. Okay. Safety. Pull. Veer, what a shot! Oh my God, अब तो confirm हो गया कि तुम army में ही थे. You have any doubts? अब तो ऐसा. हाँ? Whoa. Okay, your turn. Huh? Hmm? No, not for me. Come on, Dinesh. It's not my thing. Come on. नहीं कर पाऊंगी मैं. You don't trust me? बहुत noisy है वीर. Trust me. ठीक है. अब. Shoulder the gun. Hmm. Got it. Good thing. Shoulder the gun. Yeah. Legs in front. Hmm. Balance in front. In front. No. I can't do it, I told you. Shoulder the gun. Okay? मैंने कहा मैं फिर से तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता. What? Will you marry me? Hmm.
कल सुबह 11 बजे आ जाना। ओके। लड़की वाले आ रहे। लड़की वाले? अरे पर तूने तो पहले बताया ही नहीं कि लड़की वाले आ रहे। माँ वो इतना अचानक हो गया तो। अच्छा अच्छा, लेकिन चिराग को तो बता दिया ना कि उसे देखने लड़की वाले आ रहे। हाँ वो बोल दूंगा। ओमी और स्नेह को बताया कि नहीं? अरे माँ पहले तू लड़की देख ले, पसंद कर ले, फिर सबको बता दूंगा। ये भी ठीक है। चल मैं जाके ना अपनी साड़ी वगैरह तैयार करती हूँ। हाँ। बाके बिहारी ये रिश्ता तय कर दे, फिर देखना 501 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। कितना माँ? 501 बेटा। बाके बिहारी 10,001 दूंगा। राधे 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 राधे। मम्मी ये कौन से नए रिश्तेदार आ गए दिल्ली में जिनको मैं नहीं जानती? ये दूर के रिश्तेदार है बेटा। सागर 1 किलो मोती चूर, 1 किलो मिल्क केक और 1 किलो काजू कतली पैक करियो प्लीज। डन सर। छोटू पैक कर दे। तेरी दादी किसी की शादी के लिए इंटर स्टेट नहीं जाती और तू अपनी शादी इंटरकास्ट करने की बात कैसे कर सकता है? I mean, how? अबे लाडला उनका। दुनिया दूसरों के बच्चों पर कीचड़ फेंकती है, अपनों को सब डब से नहलाते हैं। और अगर दादी नाराज हो भी गई तो पापा मनाएंगे ना अपनी माँ को अपने बेटे के घुड़सड़ी के लिए। भाई कल्याणी पुरानी दिल्ली है, हम जैसे यंग लॉन्डो की प्रोग्रेसिव सोच उसको समझ में नहीं आएगी समाज। अबे इसलिए तो तेरे भाई ने पूरी फौज बुला रखी है घर पे। तू समाज ए सागर, तू कहाँ जा रहा है? अबे 1 किलो गुलाब जामुन और खानदान को बुला लिया। आप तो बड़े शेर निकले। मैंने किसी को नहीं बुलाया। अच्छा माँ वो तो चिराग का फोन आ गया था, वरना आप तो हमें सीधे शादी में ही बुलाने वाली और क्या ना, है ना? अकेले लड़की देखने का षड्यंत्र तेरे भाई ने रचा था। चिराग शादी कर रहे हैं? लड़की से मिले अम्मा जी, लड़की वाले आ गए। लो आप खुद ही देख लेना लड़की को। हाँ मखा सबने मुंह में दही बिलो रखी थी। वाओ माँ वेरी प्रिटी हाउस। चिराग की लड़की तो बड़ी गॉर्जियस है। नमस्ते माँ जी। ये कमीनी मेरे घर में क्या कर रही है वीर? कमीनी? काली? काबुली नाम होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में फिर से आने की? मैंने तो सोचा था कि तूने खुदकुशी कर ली होगी। माँ ये तू क्या बोल रही है? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? और तू फिर से इस मेनका के वश में आ गया? तुम कुछ कहोगे? जवानी का रस खत्म हो गया, पर वीर का प्रेम तेरे सर से नहीं उतरा।
बेशर्म औरत। ओ हेलो, बेशर्म हो गए आप और आपका एक खानदान। अरे मम्मी यार, ये कैसे घटिया लोगों के यहाँ लंच पे ले आए आप, जिन्हें बात करने की भी तमीज नहीं है। वाह मेनका, तेरी बेटी तो तुझसे भी ज्यादा तेज निकली। ए बुढ़िया, तेरी ना उम्र का लिहाज कर रही हूँ, वरना मैं कितनी तेज हूँ ना तुझे अभी बता देती। ओए हीरोइन, जबान संभाल के बात कर मेरी दादी से। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? ओए वीर, ये कौन है जो हमारे घर आकर हमें गालियाँ दे रहे? वीर, तुमने कहा था इस बार साथ नहीं छोड़ोगे, प्यार करते हो ना मुझसे? प्यार? 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 तेरा भाई है ना, सवाल लेगा बाबा। अरे चिराग पुत्र, ओ बेटा तू किधर था अब तक? हाँ हाँ मिठाई लाने किया था। ओ बेटा जी, मिठाई पर तो सबसे पहला हक है तेरा, क्योंकि तेरे पापा नई मम्मी लेके आए हैं, वो भी तेरी होने वाली बहन के साथ। ये ले मुंह मिठा कर 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 खा बस। बत्तीस साल बाद कल्याणी निवास में हिस्ट्री ने खुद को फिर से रिपीट किया। ना तो मेरी दादी का माइंडसेट बदला और ना मेरे पापा की लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हुई। और अब सिचुएशन ऐसी है कि एक तरफ मेरे पापा मेरी होने वाली मदर इन लॉ से प्यार करते हैं और दूसरी तरफ मैं और देविका साथ जीने मरने की कस्में खा चुके हैं, जिसकी खबर किसी को नहीं। वर्कआउट छोड़ो, प्रोटीन भी नहीं देने वाले। तू रहने दो, मीठा खा खा के मीठे ही लगने लगे हो आप। अरे यार तू रहने दे। अरे आ जा चिराग बेटा, बैठ 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 बैठ। तेरी उम्र के लोग अपने बच्चों की शादी करके उनके बच्चों को स्कूल छोड़ आते हैं, ना कि अपनी घुड़चढ़ी के सपने देखते हैं। माँ, मैं मेनका से प्यार करता हूँ और उसी से ही शादी करूंगा। अरे शरीर में सुहागरात की आग इतनी धधक रही है तो अमृता के स्वर्गवास के बाद शादी क्यों ना कर ली? उस वक्त तो गर्दन हिला दी कि ना माँ ना, मैं अमृता की जगह किसी को ना दे सकूं। और अब उस 55 साल की औरत को लड़की बता रहा है। समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम। अरे कौन से समाज की बात कर रहे हो तुम? वो समाज जो अपनों को खुश देखकर बातम मनाता है और अपने को परेशान देखकर खुशियां। अरे नहीं रहना है ऐसे समाज के साथ। मेरे मरने तक इंतजार कर ले, फिर अपनी जिंदगी खुद ही संवार लियो। दादी आप क्या बोल रहे हो? और क्या बोलूं तेरे बाप को, चिराग के लिए लड़की ढूंढते ढूंढते अपने लिए लड़की ले आया। माँ, आज तक मैंने तेरी हर बात सुनी है, लेकिन आज के बाद मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा, खुद। स्नेह, मेरे लिए गरम पानी ले आई हो, मेरा गला पकड़ लिया है। मॉम, मुझे अकेला छोड़ दो। देविका, देविका,
देविका दरवाजा खोलो प्लीज। देविका मुझसे बात तो करो। देविका सॉरी बेटा, मैं तुझे वहां झूठ बोलकर लेके गई थी और मैं तुझे बताने ही वाली थी। फिर क्यों नहीं बताया माँ? और वैसे भी क्या बताने वाली थी आप कि आप मुझे अपनी मुंह दिखाई के लिए लेके जा रही है, ये बताने वाली थी? देविका जैसा तू सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। कैसा है मम्मा? प्लीज 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 आप समझाओ मुझे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं बचपन से ये सोचती रही कि क्यों आपके बेडरूम में कि आपके फोन में पापा की एक भी फोटो नहीं है, क्यों आपकी बातों में कभी भी पापा का कोई जिक्र नहीं होता है, क्यों आपको अपनी एनिवर्सरी डेट या पापा का बर्थडे याद नहीं रहता, क्यों मम्मा क्यों? लेकिन आज सब कुछ क्लियर हो गया। आपने कभी पापा से प्यार ही नहीं किया था, आपने शादी भी मजबूरी में की थी क्योंकि आपके प्यार ने आपको छोड़ दिया था। देविका अगर आपने उस इंसान से शादी की है तो अपने पति की तरह अपनी बेटी को भी भूल जाना। I just want to be alone. Sorry. Devika. Devika, please. तेरे पापा के चक्कर में हम सब ये भूल ही गए कि तूने अपनी शादी की बात करने के लिए हमें यहाँ बुलाया था। कहाँ जा रहा है? बाप घोड़ी से उतरेगा तभी तो बेटा घोड़ी चढ़ेगा ना। क्या बात है, क्या बात है? अंडरवियर पहनकर तुम्हारे फादर भी कूल हो गए, कूल हो गए। कूल नहीं, हॉट। 60 की उम्र में घोड़ी चढ़ेंगे, हाउ रोमांटिक, हाउ रोमांटिक। चिराग कुछ चिराग होया ना बनो, लेकिन अगले साल तुम्हारे पापा तुम्हें बड़ा भाई जरूर बना देंगे। चिराग शुरू कर। चिराग, मिस्टर चिराग, आर यू ऑल राइट? क्या हो गया? अरे घंटा ऑल राइट यार। व्हाट इज दिस? माय कंपनी इमोशंस नहीं परफॉर्मेंस देखती, जो तेरी फुस चल रही। आज तक कलयुग के बेटों के बारे में सुना? एक लेमन सोडा। कलयुग के बाप के दर्शन पहली बार हो रहे, वो भी लाइव अपने घर में। ना ना ना, डोंट से लाइक दैट। बचपन से लेके आज तक, मतलब हगीस के टाइम से लेकर कूल अंडरवियर के टाइम तक, तेरे बाप ने कभी तेरे को डांटा या मारा नहीं? यार अपने बाप को मैं सीधा साधा श्रवण कुमार समझता था मैं, दैट्स इट। मतलब दोनों दादी और पोते का इरादा है श्रवण कुमार के कंधे तोड़ने के। भाई उसके भी तो ड्रीम्स होंगे ना सोलो ट्रैवलर बनने के। हे लेकिन उनके सोलो ट्रिप के चक्कर में मेरा हनीमून ट्रिप तो कैंसिल हो गया ना। अब क्या कहूं उस देविका से कि जिन हाथों से मैं उसे मंगलसूत्र पहनाना चाह रहा था उन्हीं हाथों पे राखी बांधे। ए भाई बन जाओ उसका। यार क्या बोल रहा है यार, लेट मी एनालाइज। बेटा बेटी से प्यार करता है, वेरी गुड। बेटी माँ से प्यार करती है, नाइस। बेटा बाप से प्यार करता है, गुड। बाप माँ से प्यार,
भाई ट्रायंगुलर लव स्टोरी सुना था, तेरी तो रेक्टेंगुलर लव स्टोरी है। अरे इस ट्रायंगल लव ट्रायंगल के चक्कर में, अरे रेक्टेंगल ट्रिग्नोमेट्री की चट्टी औलाद, इस ट्रायंगल रेक्टेंगल के चक्कर में मेरी लाइफ तो सर्कल बन के रह गई ना। अब कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, समझ नहीं आ रहा है। इसलिए दोस्त लव स्टोरी में दिल का काम होता है। अरे भाई तेरी लव स्टोरी सेट है, अब चाहे तू सर्कल में दौड़, ट्रायंगल में दौड़, रेक्टेंगल में दौड़ या फिर हेक्सागन में, बस मैं देविका के साथ दौड़ता रहूंगा। रुकेगा नहीं साला। हाय मेरी पुष्पा, हाय बनाए। कोई पसंद आए तो बात करो भाटिया साहब। अरे भाटिया तुम हो यार, मैं शर्मा हूँ। मैं शर्मा हूँ, तू भाटिया है यार, बात करो। अरे नहीं नहीं शर्मा साहब, मेरी वो वाली इंटेंशन नहीं है। तेरी इंटेंशन नहीं है, लेकिन जो मेरे को टेंशन है उसका क्या करूं? जिस फैमिली के लिए मैंने सब कुछ किया, आज वो ही मेरे खिलाफ। एक बात बोलूं, पूरा मत मानना और मेरी बात ना दिमाग में लेना, दिल पे है? मान लो कल को कल्याणी जी ऑफ हो गई तो क्या बात कर रहा है तू यार? बुरा मत मानो ना, जस्ट इमेजिन। यहाँ मैं सेहरा बांधने की बात कर रहा हूँ, तू तो मेरी मुंडन की बात करवा रहा है। अबे उसलिए नहीं बोल रहा हूँ, इमेजिन कल को उसका ट्रांसफर हो गया ऊपर और चिराग की बीवी निकल गई खड़ूस, उसको लेके हो गई अलग, तो सारी उम्र आप क्या करेंगे जनाब? थिंक अबाउट इट। जिस दामाद की बॉडी में प्रोटीन पाउडर मेरे क्रेडिट कार्ड से जाता है, और वो जीजा उसको भी गाड़ी मैंने दिलाई है, उनकी बात सुनूं मैं? नहीं बिल्कुल नहीं। आप अपनी इंटेंशन पूरी करो और मुझे अपनी टेंशन दूर करने दो। चीयर्स। चीयर्स। मुझे क्या लगता है ना यार, ये हीर रांझा, सोनी महिवाल, रोमियो जूलियट, ये मैं और मेरे वीर ही रहे होंगे। न कभी उनका मिलना हुआ और ना हम दोनों का हो सकता है यार। ना ना ये कल्याणी खाती क्या है हाँ? इस बुढ़ापे में भी आग छोड़ती है। फायो या हे भगवान यार, तू सिर्फ अच्छे लोगों को क्यों ऊपर बुला लेता है? बुरे लोगों की वैकेंसी नहीं है क्या? मतलब सही बात है। अरे यार नहीं, सही बात है। पता है इतना सेक्सी सपना देखा था मैंने, मतलब माँ बेटी दोनों एक साथ एक मंडप में, पहले आप करके वरमाला डाल रहे हैं, फिर पहले आप करके फेरे ले रहे हैं, फिर पहले आप करके विदाई हो रही है, फिर पहले आप करके सुहागरात। ओए चुप कर फ्रिकिंग अल्कोहलिक। अरे यार थोड़ी फीलिंग्स ओवरफ्लो हो गई यार, सॉरी। कितना अच्छा शरीफ रेप्यूटेशन था यार मेरा, देविका के सामने सब खत्म हो गया यार। ओ आई एम वेरी श्योर देविका ने डीडीएलजे देखी होगी। जब प्यार करते हैं ना वो घूसे और गालियां दोनों खाते हैं। व्हाट डू यू मीन?
खाता ही है ना, देख क्या हो रहा तेरे साथ। पर एंड में जीत उन्हीं की होती है। आई स्वेर, यू नो इट्स लाइक, देख इस वाइन की कसम खा रही हूं, देविका के लिए तेरे से अच्छी माँ कभी हो ही नहीं सकती। सच्ची? मुच्छी मेरी जान, लव यू। चल पी ले, चल यार, पी ले। ओए, ये कितनी कॉफी पी चुके हैं? हाँ, चार, और पांचवी लेने जा रहा हूँ। बजाने के मूड में? ये भी कोई पूछने की बात है? तेरी बजाऊं? अरे देवी, तुम यहाँ? What a coincidence! मैं भी यही, एक मेरी मीटिंग थी, बस गुजर रहा था। तो मैं तुम, what? तुम यहाँ कैसे? हाँ, so? ओए छोटू, कॉफी कैंसिल, दो फ्रैप्पे। हाँ, so? कैसी हो? देख देवी, जो भी कुछ हुआ वो हम दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। आई मीन मेरे पापा और तेरी मम्मी, अरे जितना शॉकिंग तेरे लिए है ना, उतना शॉकिंग मेरे लिए भी है, ट्रस्ट मी। लेकिन लेकिन सुनना, हम इसको मिलके सॉर्ट कर सकते हैं, मिलकर। हाँ, कैसे सॉर्ट करेंगे? हाँ देवी, मैं ये, देवी सुनना, मेरी बात तो सुन देवी, तुम्हारे खानदान को मेरी मम्मी की शक्ल तक पसंद नहीं है। तो उसकी बेटी को कैसे अपनाएंगे? Look, I know, difficult है, लेकिन अब तुम उस दिन कुछ बोलती नहीं तो ये सब होता ही नहीं ना। क्या नहीं बोलती मैं? बेबी, क्या जरूरत थी मेरे खानदान को गालियों की माला पहनाने की? Oh, really? और जो तुम्हारे खानदान ने मेरी माँ और मेरे माथे पे गालियों से तिलक कर दिया, वो तुम्हें नजर नहीं आया? चिराग, प्लीज अपने ना घर वालों की साइड लेना बंद करो। साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं तो हम दोनों के लिए साइड से रास्ता बना रहा हूँ। और तुम मेरे घर आई क्यों? मैं तो आ रहा था ना तुम्हारे घर अपने घर वालों को लेकर। मुझे क्या पता था कि मेरी माँ मुझे मेरे होने वाले पापा से मिलवाने लेके जा रही है, और मैं अपने ही होने वाले भाई के प्यार में पागल हो रखी हूँ। अरे तेरी माँ को मेरा ही बाप मिला पूरे शहर में, और तेरे बाप को मेरी माँ मिली पूरे देश में। अरे क्या करे यार देवी, अब तू ही बता। देख यार, मैं ना तेरे बच्चों के मुंह से पापा 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 सुनना चाहता हूँ। मामा 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 नहीं, तू समझना यार। और मैं भी मम्मा 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 सुनना चाहती हूँ, मामा मामा नहीं। सच में? क्यों आए हो वीर? बचपन में जब तक तुमने हार नहीं गई थी, मैंने तुम्हारे ट्यूशन के चक्कर लगाने बंद नहीं, याद है ना? मैंने लगता है आजकल माँ की गालियों का असर कम हो गया है। देखो मैंने कहा, मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे भी, और मैं ये भी जानता हूँ कि हम दोनों गलत नहीं। तुम्हारी माँ मेरा मरा हुआ मुंह देखना चाहती है वीर, उन्हें कौन मनाएगा? चिराग मनाएगा उन्हें। चिराग को हमारा रिश्ता मंजूर है? नहीं,
वो नाराज है, लेकिन मैं मना लूंगा उसे। और देविका को कौन मानेगा? थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन देविका मान जाएगी। अरे दीदी, आप बैठ 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 बैठ। कैसे आना हुआ? मैं तुझसे ही मिलने आई हूं। दादी कहाँ है? मंदिर गई है। और पापा? भाई तू एक बार पापा की जगह रह के सोच। इसमें सोचना क्या है? तुझे पापा की गलती दिखाई नहीं देती? पापा मम्मी से नहीं मेनका से शादी करना चाहते थे। भाई मानती हूं कि मम्मी से पापा की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, लेकिन तू ही बता, जब पापा आज दादी के खिलाफ नहीं जा सकते तो उस वक्त कैसे जाते? आसपास में बदनामी हो रखी है वो अलग, पता है लोग क्या क्या कह रहे हैं आजकल। देख, ना तो कोई पड़ोसी हमें खाना खिलाता है और ना किसी ने हमारे स्कूल की फीस भरी है जिसकी हम सुने। ओके, अच्छा एक बात बता, दादी पापा की शादी मेनका से करने के खिलाफ है ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुझे क्या दिक्कत है? तू तो पापा के साइड रहे। अरे कैसे रहूं पापा के साइड जब पापा खुद ही मेरे साइड कूद गए? पापा तेरी साइड कूद गए? हाँ। तेरी कौन सी साइड है? देविका। मैं देविका से प्यार करता हूँ, देविका मुझसे प्यार करती है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। क्या मतलब? अगर पापा ने मेनका से शादी कर ली तो देविका तेरी बहन बन जाएगी। और अगर पापा ने मम्मी से शादी कर ली तो ये बेटा बेटी भाई बहन बन जाएंगे। और अगर इसने बेटी से शादी कर ली तो समधी समधन का प्रेम प्रसंग अधूरा रह जाएगा। वाह मेरे लाल वाह, आज तूने चिराग तले अंधेरा कर ही दिया, लेकिन इसमें गलती तेरी नहीं है। जब पेड़ में ही कीड़े लगे हों तो फल तो खराब निकलेगा ही, पर ये नहीं जानती थी कि एक दिन पेड़ और फल जड़ को ही खराब कर देंगे। दादी मैं देविका को पहले से ही जानता हूँ। इस दादी की कोख में टट्टी पेशाब किया है तूने, मुझसे भी पहले से जानता है उसे। हाँ मरने से पहले अच्छे दिन दिखा दिए तुम दोनों ने। बुआ को बोल ले जाए मुझे यहाँ से। दादी लेकिन छोरी, जितना बोला है उतना कर। दादी देविका एंड चिराग, लेकिन कोई कनेक्शन ही नहीं। मतलब देविका ने कहा था देयर इज अ बॉय इन हर लाइफ, बट है लड़का, लेकिन मतलब चिराग
can this happen to us all over again? इसीलिए वो दोनों नाराज हैं। It can't happen, Veer. क्या करता है लड़का? कौन सा लड़का? अरे बताना, उसका नाम क्या है, काम क्या करता है? मार्केटिंग में। तुझे मालूम है तू मेरी जान है ना? I know that, Mom. You know I want the best for you. लेकिन आज सब कुछ क्लियर हो गया। आपने कभी पापा से प्यार ही नहीं किया था। अगर आपने उस इंसान से शादी की है, तो अपने पति की तरह अपनी बेटी को भी भूल जाना। अरे 60 की उम्र में तो लोग भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, ना कि शादी की मस्ती में। बेटे ने तो इज्जत उछाल दिया और पोते ने उसको लात मार दी। अरे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बाप वैसा बेटा। पहना जी खुश रहो। ओ माता, मैंने जो 2000 रुपए तुझे दिए थे ना, वो वापस दे दे। वो खर्च हो गए। खर्च हो गए? वो ऐसे कैसे खर्च हो गए बिस्तर में बैठे बैठे? आगे से मैंने 1 रुपया नहीं देना तुझे। खर्च हो गए? अरे पेंशन के पैसे तो तू ही लेता है ना, मैंने कभी हिसाब पूछा है तुझसे? अरे 2000 रुपए के लिए कैसे बोल गया देखो, वो भी दूसरों के सामने। देखो पनीर के समोसे में पनीर ही नहीं है। ये छाबड़ा को तो ना पैसे बचाने की आदत ही पड़ी है। वाओ। हे आंटी। हाय बेटा। हाय देविका। हाय। हाउ आर यू? वेरी वेल। हैव यू बीन? जस्ट आंटी, कैन वी टेक हर अलोंग फॉर अ ड्रिंक? यस यस, ऑफ कोर्स। यस। थैंक यू आंटी। लेट्स गो। कम। I know, meeting after a long time. Gin or vodka? Gin. 2 gin and tonic. 1 whiskey. Devika? No, yeah, I'm good. Please. No, nothing. Devika, बहुत दिनों के बाद मिली है, एक drink. Maybe in a while. Devika, is it true? तेरी मम्मी किसी को date कर रही है? Meet the famous man. अच्छा, by the way, देविका, देविका? Yeah, sorry. Your mother is so strong. अबे idiot, देविका is a strong daughter ना? Point. हाँ, जिसने अपने मम्मी के प्यार को accept किया। सब इतने broad-minded थोड़ी होते हैं। Yeah, correct. Well, guys. मैं होती तो मैं भी एक्सेप्ट कर लेती। But your father is very much alive, isn't he? Yeah. Guys, I'll be just back. Yeah, sure. Okay. ऐसे क्या बात है मेरी जान? तुम्हारे तो चर्चे चारों तरफ है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर पटाना ही था तो किसी यंग लड़के को पटाती ना यार? अरे it would have been way more fun and he would have lasted longer. अभी तो शुरुआत है, इसके बाद देखना, एक के बाद एक लाइनें लगेगी। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन आंटी, आपसे तो पीछे ही है मेरी मम्मी। कहाँ बेटा, हम तो रेड बॉर्डर में कैद हैं।
हाँ जी, आप तो कैद होकर भी ना आजाद लोगों से ज्यादा एंजॉय करती हो। हाँ क्यों मिसेस गुप्ता, लास्ट वीक सैनिक फार्म पे आपने अपने बर्थडे पार्टी पे मेज स्ट्रिपर बुलाया था। हाँ? और आंटी आप तो हाईलाइट थी उस पार्टी की, क्योंकि डिल्डो वाला केक तो आपने ही मजे ले लेकर खाया था। क्यों? मैं नहीं, I don't know what you're talking about. I think कुछ गलत फहमी हुई है, मैं बिल्कुल नहीं थी वहाँ पे। मैं थोड़ी गई थी, मैं तुम्हारी पार्टी में आई नहीं थी। आंटी आप तो कमाल हो, हम तो अभी भी आपसे बहुत पीछे। हाँ वो हाँ, I'm coming. हम अभी आते हैं। खाना खा के जाना, just get the drinks, okay? इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे नाराज नहीं हूं। बचपन में एक बार तुम इसी तरह मुझसे नाराज हो गई थी। क्योंकि मैंने तुम्हारा फेवरेट खिलौना ले लिया था। 4 दिन तुमने मुझसे बात नहीं की थी। कर मैंने ही तुम्हारा खिलौना वापस लौटा दिया था। लेकिन इस बार अनजाने में ही मुझसे गलती हो गई है। तुम्हारा खिलौना तुम्हारे पास ही रहेगा। ने कहा राइट चलो तो मैं चल के नहीं दौड़ के जाता दौड़ के। यार अमृता के जाने के बाद ये अकेलेपन को एक्सेप्ट करना बहुत बहुत मुश्किल चीज थी। लेकिन माँ के लिए मैं एक परफेक्ट बेटा, चिराग के लिए परफेक्ट पापा, और समाज के लिए परफेक्ट कर्नल वीर शर्मा। ये परफेक्ट बनने के चक्कर में मेरी लाइफ इम्परफेक्ट हो गई है। जो मुझे राइट लगता है वो माँ को रॉन्ग क्यों लगता है? हाँ मेरी लव स्टोरी में हैप्पी एंडिंग कब आएगा काका? शर्मा साहब आशकों की कुंडली में कुर्बानी दोष होता है। चुप है, मेरी जिंदगी की ट्रेजेडी में तुझे कॉमेडी दिखाई दे रहा है। माँ घर छोड़ के चली गई, चिराग मेरी तरफ देखता ही नहीं है। जिंदगी में बहुत जंग लड़े हैं भाटिया, बहुत जंग, और कभी हारा नहीं हूं। लेकिन ये अपनों की जंग में किससे जीतूं किससे हारूं कुछ समझ नहीं आता यार। हटिया तू जानता है मैं गलत नहीं। नहीं नहीं बाटिया, मैं गलत हूं। मैं गलत हूं काका, मैंने
मैंने मेरे चिराग का दिल दुखाया है। तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, तू दुखी मत हो। मैंने जिम की मेंबरशिप ली थी नेक्स्ट मंथ। अरे एक मिनट रुको रुको, अरे चिराग बेटा, अरे आजा बेटा, अरे आजा। अरे चिराग बेटा, आजकल तुम दिखाई नहीं दे रहे, क्या बात है? हाँ, कहाँ थे पुत्र? चिराग बेटा, अभी हम तुम्हारे पापा की ही बातें कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, तेरे पापा तो गेम चेंजर निकले। चिराग बेटा, तुम्हारे पापा ने तो रेगुलेशन ला दिया है, उन्होंने आजादी दिला दिया हम जैसे बूढ़ों को, उस सोच से जो ये कहती है कि अब तो उम्र हो गई है, अब तो सिर्फ पूजा पाठ ही करनी चाहिए और उस दिन का इंतजार करना चाहिए कि कब ऊपर वाले के यहाँ से बुलावा आ जाए। बस यही है बेटा। मेरी वाइफ बहुत साल पहले एक्सपायर हो गई थी, एक बेटा है वो भी लंदन चला गया पढ़ाई करने के लिए और फिर वहीं सेटल हो गया। वो हर रोज रात को वीडियो कॉल करता है, हर महीने पैसे भी भेजता है, पर मैं यहाँ बिल्कुल अकेला। नींद आने से पहले कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। मेरे पति के एक्सपायर होने के बाद मुझे भी किसी इंसान से प्यार हो गया था। मेरे ऑफिस में ही थे, लेकिन हम दोनों कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाए एक दूसरे को बताने की, क्योंकि हमारे बच्चे क्या सोचते, ये समाज, हमारे रिश्तेदार। काश मैंने भी तुम्हारे पापा जैसी हिम्मत की होती ना, तो आज मैं यूं अकेली नहीं होती। मेरे पास मेरे अपने होते, जिनके साथ मैं होली मना पाती, दिवाली मना पाती। अरे भाई, अब मुझे ही देख लो, दो बेटे हैं, शादी के बाद दोनों अलग रह रहे हैं, क्योंकि एक बहू की दूसरी बहू से नहीं बनती, इसलिए बेटे बाप से अलग हो गए। चिराग बेटा, हम सब अकेले आए थे, अकेले चले जाएंगे, ये रिश्ते तो यहीं बने हैं, यहीं रह जाएंगे। ये लाफ्टर क्लब तो एक बहाना है अपने गमों को हंसी में उड़ाने का। भैया ये वाला ना थोड़ा और तीखा बनाना, इसमें इतना मजा नहीं आया। हाय सच्ची, खाओगे? इतनी रात को तूने मुझे गोलगप्पे खाने बुलाया? बहुत अमेजिंग है, वेरी टेस्टी। नहीं यार, मूड नहीं है। हाँ तू गोलगप्पे क्यों खाएगा, तू तो मुझे। यार देवी, यहाँ लाइफ की बैंड बजी हुई है और तुझे मजाक सोच रहे? Too good. यार सच में यार, मैं घर जा रहा हूँ यार, बहुत स्ट्रेस है यहाँ पर। एक तो बेबी, अगर तुम चले जाओगे तो एसटी के पेपर्स कौन साइन करेगा? एसटी? मम्मी मान गई है। मम्मी मान गई? मम्मी किस लिए मान गई? अरे हमारी शादी के लिए मान गई। ऐसा तेरी मम्मी ने कहा? हाँ, जो मम्मी ने कहा उसका मतलब यही था। सही है, सही है। एक मिनट, अगर तेरी मम्मी मेरे पापा से शादी नहीं करेंगी तो मेरे पापा किससे शादी करेंगे? I know. अल्टीमेट क्या? एक मिनट देवी,
इससे पहले हमारे मम्मी पापा का डिसीजन बदल जाए हमें जल्द से जल्द शादी करनी होगी। या। जल्द नहीं, कल। कल? हाँ। कल ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा यार? और मेरा मनीष मल्होत्रा का लहंगा? अगर हमारी जल्द से जल्द शादी नहीं हुई ना तो हमारा फ्यूचर भी हमारे मम्मी पापा की तरह हो जाएगा। Yes. Yes. You are correct. I know. Let's get married. Let's get married. Tomorrow. Yes. तू यहाँ बैठी है और मैं तुझे घर में ढूंढ रहा हूँ। आप गुलाब जामुन खाएंगे? एसिडिटी है। ये ले माता, मैं तेरे लिए लाया हूँ गर्मा गर्म गुलाब जामुन। गुलाब जामुन खा और इस पेपर पे साइन कर दे। ये ले। हटा फिर से। तू अब तक नाराज बैठी है उस बात से? ओ मिट्टी डाल माता, मैं 2000 का 10000 तुझे दे दूंगा। साइन कर, करना। ले। ये ले माता, मेरा काम तो हो गया। अब एक बात बता, तू खुद खाएगी या मैं खिलाऊं? बस तुझे पता है ना मुझे डायबिटीज है, पता है ना? मैं तो भूल ही गया भाई, जामुन जामुन पे लिखा है खाने वाले का नाम। जय हो, जय हो। ये किस पे साइन करा रहा था? किराया। किराया किस बात का? माँ के गोद में बच्चों को रहने के लिए कभी कोई माँ किराया नहीं भरती, लेकिन माँ बाप के बुढ़ापेपन में इन्हीं जैसी जो औलादे होती है ना, अगर उनके साथ रहो ना तो किराया देना पड़ता है। ये मेरे पेंशन के पेपर्स थे, हर महीने सज्जन के खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। कभी राम बन। राधे राधे माँ। खुश रहो बेटा। ये देख तेरी पेंशन आ गई। इस उम्र में इतने पैसों का क्या मैं अचार डालूंगी? सिर्फ 200-300 चाहिए मुझे सब्जी के लिए, बाकी तू रख। माँ ये पैसे तेरे हैं, अभी तू इसका अचार डाल या संदूक में रख, ये पैसे तेरे। ये ले मेरा प्यारा बेटा। अच्छा हुआ तुम मान गए, अगर जबरदस्ती हम दोनों शादी कर लेते तो हमारे बच्चे एक दूसरे के भाई बहन हो जाते। हम अपने बच्चे की खुशी चुने या हमारी? देविका को मैंने जन्म नहीं दिया है, तुमसे अलग होने के बाद मैं पंजाब चली गई थी। वहां रिश्तेदारों ने जिनसे मेरी शादी कराई उनकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। उनकी एक पत्नी थी और ये बात किसी को पता नहीं थी, एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति और उनकी बीवी की डेथ हो गई और बच गई एक 6 महीने की बच्ची देविका। और ये बात उसे नहीं पता है। तो अगर हमारी शादी हो भी जाती है तो वो दोनों भाई बहन नहीं होंगे, लेकिन
लेकिन मैं अपनी बेटी को यह नहीं बता सकती कि वो मेरा खून नहीं है। कुछ महीने पहले ही पापा रिटायर हुए हैं, लेकिन अब तक उनकी रिटायरमेंट पार्टी प्लान ही नहीं कर पाया। छह साल का था जब मम्मी छोड़ के चली गई मुझे। बहुत रोया, बहुत। मम्मा मम्मा करता है क्या, रुका ही नहीं। पापा ने मेरा हाथ थामा, मुझे थामा, और पापा ही मेरी मम्मी बन गए। तब से लेके आज तक मेरी लाइफ की हर एक चीज उन्होंने प्लान कर रखी। मेरी पहली साइकिल, मेरा स्कूल, कॉलेज, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, मेरी फर्स्ट बाइक, सब कुछ, ताकि उनके बेटे को कभी परेशानी हो ही ना, ताकि उनका बेटा हमेशा खुश रहे। और मैं बड़ा ही नालायक निकला यार, इतना भी समझ नहीं पाया कि मेरे पापा को किसी की जरूरत पड़ सकती है, किसी साथी की, किसी के प्यार की। आखिर वो भी तो इंसान ही है। हाँ, हूं मैं सेल्फिश, इडियट हूं, डफर हूं, नालायक हूं, मगर इतना नालायक भी नहीं कि अपने पापा की आखिरी खुशियों से छीन लूं। नहीं देविका, इसे अब और नहीं होगा। उसे कि तुम माफ कर दो। सुनो ना, ये सुनो ना माँ, थैंक यू माँ, आपने कभी मुझे मेरे पापा के बारे में नहीं बताया। अगर बताया होता शायद मैं हमेशा उनसे नफरत करती और हर मत डॉक्टर्स ने कहा कि आप मेरी बायोलॉजिकल मम्मा नहीं हो। पर ये तो इलॉजिकल है ना मां, कभी मुझे अपना दूध नहीं पिलाया, लेकिन मुझे कभी भूखा तो भी नहीं सोने दिया। गुस्से में मैंने आपको गालियां दी, क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उन गालियों पे आपने हमेशा ताली बजाई, मुझे कभी मारा नहीं। इतने साल में आपके सर पे बैठी रही, आपने हमेशा मुझे इतने प्यार से रखा। ये तो माँ करती है ना, बोलो ना माँ,
मेरी असली माँ ना, बोलो ना, तुम भी मेरी असली माँ। किसने कहा तू मेरी बेटी नहीं है? तू मेरी है। बेटी को पालकर ये तो यशोदा बन गई, अब मैं जात पात की रोटियां बेलने में लगी हूं। मेरे बाप का कल्याण। क्या कर, ये काम तो ढंग से कर ले। वैसे ही किया भैया। अरे बेटा खा ना। क्या कर रहे हो यार, 60 के हो गए हो, तला हुआ खाना छोड़ दो, कब्ज हो जाएगी अंदर। अरे भाई शादी में इतनी मिठाइयाँ मिल रही है, खाना तो पड़ेगा ना यार। क्यों के लिए तुम्हारे लिए वाह दादी, हीरोइन लगोगी आप? अरे कितने सालों बाद मैंने लिपस्टिक लगाई है। हाय कितनी सुंदर लग रही हो माँ, नजर ना लगे। आई आई बहुत खुश हूँ, मेरा पोता घोड़ी चढ़ रहा है, वो भी मेरे बेटे के साथ। Thank you.
ट्यूशन के पैसे आज उड़ा रही हूँ। ये हिस्ट्री के